हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वप्नाज कुक बुक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जवार पिज्ज़ा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और सेहत के लिए तो लाजवाब है। यह रेसिपी मेरे पापा की बहुत ही मनपसंद डिश है और इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले एक पैन गरम कर लेते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच जितना जीरा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 कटी हुई हरी मिर्च, और इसको हम 1 मिनट तक चला लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा भून जाएगा, अब इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ही ये भून जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 कप पकी हुई तुअर की दाल, जो कि एकदम ही गाढ़ी होनी चाहिए और एकदम सॉफ्ट और स्मैशी होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। सभी चीज़ों को मिलाएंगे और 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो तड़का दाल तैयार है, गैस बंद कर दीजिए। अब शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए ज्वार की रोटी, तड़का दाल, कटी हुई शिमला मिर्च, घिसा हुआ मूली, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई प्याज और आलसी की चटनी। तो शुरू करते हैं। मैंने जवार रोटी और आलसी की चटनी की वीडियो डाल रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम तड़का दाल को जवार की रोटी के ऊपर फैला लेंगे, जिसकी मोटी परत होनी चाहिए। अच्छी तरह से फैला लेने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे आलसी की चटनी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आप जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके ऊपर चटनी डाल दीजिए। अब इसके ऊपर हम सजाएंगे कटी हुई शिमला मिर्च, रखने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर। इसको भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, और सबसे आखिरी में हम डालेंगे कद्दूकस की हुई मूली। तो हो गया हमारा ज्वार पिज्जा रेडी। है ना ये लाजवाब, आ गया ना मुंह में पानी। तो देर किस बात की है, तो जल्दी से इसे बनाइए। और आपको अगर मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल बटन को भी दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।